हेलो गाइस, आज हम यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 20 जून को फर्स्ट शिफ्ट में, उसके पेपर के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे और उसका डिफ़िकल्टी लेवल चेक करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपके माइंड में एक ख्याल आया होगा कि ये वीडियो कैसे डिफरेंट है दूसरे वीडियो से जो कि काफ़ी अभी तक पेपर एनालाइज हो चुके हैं। तो देखिए, किसी एक सिंगल पर्सन का व्यू नहीं है इसके अंदर, हमारे साथ काफ़ी स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं पेपर वन के लिए, तो हमने उनका एक पोल कंडक्ट करवाया और पोल कंडक्ट करवाने के बाद हमने उनके रिस्पॉन्सेस रिकॉर्ड करे, हमने इस पेपर के डिफिकल्टी लेवल को सेग्रीगेट किया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका डिफिकल्टी लेवल था कैसा। तो देखिए, अगर हम टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो टीचिंग एप्टीट्यूड काफ़ी ईजी क्वेश्चन पूछे गए थे, ईजी और मॉडरेट में इसको डाला गया है, इसके अंदर कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आया था। ओके, सेकेंड आते हैं अगर रिसर्च पे, तो इसमें मॉडरेट लेवल का भी कोई क्वेश्चन नहीं था, इसमें केवल इजी क्वेश्चन पूछे गए थे रिसर्च के। लेकिन रिसर्च एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए थे, इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है कि उन्होंने केवल 5 ही क्वेश्चंस पूछेंगे, उन्होंने 5 से ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर। थर्ड, अगर हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे आते हैं तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से केवल इजी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कम्युनिकेशन में इजी एंड मॉडरेट दोनों लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग काफ़ी ईजी आई थी। अगर लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो उसमें भी केवल इजी क्वेश्चंस ही थे। डीआई में जितना सबसे ज़्यादा डर होता है बच्चों को कि बिना कैलकुलेटर कैसे सॉल्व करेंगे, किस लेवल का क्वेश्चन आएगा, तो इस टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, डीआई के क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे। ओके, फिर आते हैं हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ही एक सिंगल ऐसा सेक्शन था जिसके अंदर ईजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट तीनों लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अदरवाइज बाकी सब में इजी लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगले हम आते हैं पीपल एंड एनवायरनमेंट पे, तो पीपल एंड एनवायरनमेंट में भी केवल इजी टाइप के क्वेश्चंस आए हैं और हायर एजुकेशन एंड पॉलिटी में आपके इजी एंड मॉडरेट दोनों लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अच्छा, सेकेंड थिंग, ये चीज़ मेजर चेंज इस बार नोट किया गया है कि इस बार दोनों पेपर वन एंड पेपर टू दोनों के लिए एग्रीगेट में आपको 3 आवर्स दिए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपको पेपर वन डिफिकल्ट लगता है तो आप पेपर वन में ज़्यादा टाइम ले सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका डेटा इंटरप्रिटेशन मुश्किल लगता है, आपको मैथमेटिकल रीजनिंग मुश्किल लगता है, आपको पेपर वन के लिए 1 आवर 15 मिनट्स चाहिए, तो आप उतना ले सकते हैं, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है इस बार। पिछली बार तक क्या होता था कि आपको पेपर वन के लिए स्पेसिफिक 1 आवर दिए जाते थे, पेपर टू के लिए स्पेसिफिक आपको 2 आवर्स दिए जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, उनको दोनों को एग्रीगेट में आपको 3 आवर्स दिए जा रहे हैं। सो अगर आपको मान लीजिए कि पेपर वन में आप 1 आवर 15 मिनट्स लेते हैं तो आपको पेपर टू के लिए 1 आवर 45 मिनट्स मिल जाएंगे। सो ये काफ़ी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है स्टूडेंट्स को। एंड फाइनली अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो देखिए, क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो इसमें हमने अपने स्टूडेंट से पोल करवाया एंड उनसे क्वेश्चंस जितने कलेक्ट कर सकते हैं हमने कलेक्ट करवाए और हम देखते हैं कि हम किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो सबसे पहले देखिए किस किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, हमने जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हो सके उतने कलेक्ट किए हैं और उसको हम एनालाइज करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो पूछा गया था विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द माइनॉरिटी पॉपुलेशन, तो ये देखिए एक पॉलिटी का क्वेश्चन बनता है, तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। सेकंड क्वेश्चन क्या आया था, जो डीआई का क्वेश्चन आया था डेटा इंटरप्रिटेशन का, वो परसेंटेज में आया था, मतलब कि आपको जो कैलकुलेशन करनी थी वो परसेंटेज से रिलेटेड ज़्यादा थी। थर्ड है सिटिंग प्लान। सिटिंग प्लान अगर आपने कभी बैंकिंग वगैरह का पेपर दिया हो, IBPS का, SBI का, तो इसमें सिटिंग प्लान आता है कि अगर मान लीजिए एक सर्कल है, इसमें ए यहाँ बैठा हुआ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, डी यहाँ है, तो क्या बताइए ए के राइट में कौन बैठा हुआ है, बी के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उन्होंने इस टाइप के क्वेश्चंस भी पुट करने की कोशिश की है इस बार। फिर देखते हैं नॉइज पोल्यूशन से एक क्वेश्चन आया था ईमेल से रिलेटेड कैसा क्वेश्चन आया था। देखिए, अगर आप किसी को ईमेल भेजते हैं तो उसके अंदर आता है आपको यहाँ पे 2 CC BCC, सो ये BCC क्या होता है, ये CC क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। ओके, अगला प्रमाणास। देखिए, प्रमाणास इसी बार के सिलेबस में ऐड हुआ है और इस बार उन्होंने इसमें से क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, लेकिन एक गुड न्यूज़ है कि जो भी न्यू चीज़ ऐड की गई है सिलेबस के अंदर उससे केवल बेसिक क्वेश्चन आए हैं। जैसे कि मान लीजिए इस बार स्वयं ऐड किया गया था, स्वयं एक प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन लर्निंग का, तो स्वयं के केवल फुल फॉर्म पूछी गई थी, कोई डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। अगला रियो कन्वेंशन। रियो कन्वेंशन एक एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया है आपके पास। फिर आया है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे का थीम क्या था, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे का थीम भी पूछा गया आपसे। तो देखिए, अब केवल आपको डेट नहीं लर्न करनी, आपकी उसकी थीम क्या थी उसकी, वो भी आपको लर्न करना है। अगला स्वयं प्रभा के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, स्वयं प्रभा कौन से चैनल पे दिखाया जाता है, उसको कौन ब्रॉडकास्ट करता है, तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस भी थे। सीरीज कंप्लीशन मैथमेटिकल रीजनिंग, जैसे कि 3, 5, 7, 9, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे गए हैं।
अगला सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स क्या होते हैं, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड, देखिए आप देख सकते हैं कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड नॉइज पोल्यूशन से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, रियो कन्वेंशन से रिलेटेड पूछा गया है, इन्वायरमेंट देखिए थीम क्या थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड। तो देखिए इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं, बाकी हमने जो पोल करवाया उसके बेसिस पे हमें ये पता चला कि रिसर्च से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप उसके बारे में ज़्यादा डेप्थ में प्रिपेयर कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई फर्दर क्वेरी है तो आप उसको सॉल्व करा सकते हैं हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके, टेलीग्राम ग्रुप का कुछ लोगो इस टाइप का दिखेगा आपको, और आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर रेगुलर अपडेट्स। और जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले गए हैं YouTube पर, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर हो सकता है, अप्रॉक्सीमेटली 70-80% सिलेबस आपका उससे कवर हो जाएगा, तो वो भी आपके टॉपिक्स YouTube पे अपलोड किए गए हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आपको PDF भी मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए और अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, क्योंकि अभी भी 7 days तक एग्जाम चलने हैं ये नेट के, तो आप इसमें अपनी अगर स्ट्रैटेजी इस तरीके से बना के चलते हैं कि किस टाइप का लेवल है, किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप उससे काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू।